पीएफआई और सीमी पर जिस आधार पर बैन लगा है उससे कई करोड़ गुना यही आधार बजरंग दल पर होने के बावजूद, भाजपा तो छोड़िए कांग्रेस की सरकारों ने भी इसे बैन करने की कोशिश तक नहीं की, सिर्फ इस डर से कि इससे हिंदू नाराज हो जाएंगे। भारत के संविधान में स्टेट के अलावा किसी को भी हथियारों वाली सेना बनाने का अधिकार नहीं है, मगर बजरंग दल के पास विशाल हथियारों वाली सेना है और उसका मातृ संगठन आरएसएस तो हर विजयदशमी में हथियारों की प्रदर्शनी करके उनकी पूजा करता है। तब जबकि इस देश में हथियारों के प्रदर्शन पर लाइसेंस को रद्द करने का नियम है, मगर इनके एक भी लाइसेंस कैंसिल हुए ध्यान नहीं आता। देश में तमाम नियम और कानून के उल्लंघन के बावजूद सरकारें इनके प्रति आंख बंद कर लेती हैं, क्योंकि ये चुनाव में इन्हें वोट दिलाकर सत्ता तक पहुंचाने के खेल में आगे रहते हैं। ग्राम स्टैंड से लेकर जुनेद और नासिर को जलाने के बीच अगर इनके कुकर्मों की लिस्ट बनाई जाए तो ये संगठन किसी भी खूंखार आतंकवादी संगठनों से ज्यादा खतरनाक लगेगा। और को तो छोड़िए, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह तक इनके द्वारा फैलाए आतंकवाद की बलि चढ़ चुके हैं, फिर भी सरकारें इनके खिलाफ कुछ नहीं करती। महाराष्ट्र के पूर्व आईजी आईपीएस एसए मुशरिफ की किताब करकरे के हत्यारे कौन, तो इनके आतंकवादी इतिहास का पूरा सबूतों के साथ संकलन ही है। मोनू मनेसर कौन है, बजरंग दल का संयोजक है, किस अधिकार से उसने हथियारों वाली सेना बनाई और राज्य की व्यवस्था के बराबर सैन्य बल के साथ राज्य में आतंक फैलाया और राज्य के तमाम उच्च पुलिस अधिकारियों समेत देश के तमाम मंत्रियों के साथ दिखा। यहीं से उसे अधिकार मिलता है कि वो ऐसे दुस्साहसी काम करे। जुनेद और नासिर को जलाकर मार डालने के बाद दर्ज हुई एफआईआर में उसका नाम है, मगर इतने दिनों बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं, जबकि वो मीडिया में दिख रहा है और लाइव इंटरव्यू कर रहा है। यह संगठन ऐसे ही गौरक्षा और लौ जिहाद के नाम पर समाज में आतंक फैलाता है, मगर सरकारें इसके गलत कामों पर हमेशा चुप रही हैं। चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, मायावती या कांग्रेस या किसी की भी सरकार हो, हर कोई इन पर बैन लगाना तो दूर, इनके गलत कामों पर चुप्पी साधे रहता है। यह संगठन मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का फ्रंटल संगठन है और यही भाजपा की जमीनी ताकत है, जो बूथ लेवल पर भाजपा के वोटों को एकजुट करके मतदान पेटी तक पहुंचाता है। यह लोग जुनेद और नासिर को मारकर अपने समाज में दबंग हीरो बनते हैं और फिर भाजपा इन्हें टिकट देकर पार्षद, विधायक, सांसद और मंत्री बनाती है, इनको कानूनी मदद दिलाती है, इनके मंत्री इन्हें फूलों की माला पहनाते हैं और फिर सत्ता की ताकत से मोहसिन शेख के हथियारों की तरह इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। संघ और भाजपा का पूरा इकोसिस्टम ही यही है और फिर एक शख्स प्यार मोहब्बत की बात करके इनके करतूतों पर पर्दा डाल देता है। विश्व गुरु की यही हकीकत है और यही हिंदू राष्ट्र है। आप जनता से मेरी शिकायत यह है कि आप इतने डरे हुए हैं कि सच बोलने वालों की वीडियो शेयर करते हुए डरते हैं, आप इतना डरे हुए हैं कि कमेंट में अपनी बात रखना तो दूर लाइक करने से डरते हैं, इसलिए ऐसे बदमाशों के हौसले बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप न तो सच बोलते हैं न सच बोलने वालों का साथ देते हैं। आपसे अपील है, सच के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा एनआईएन को फॉलो कीजिए। फिलहाल एनआईएन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।